क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन से नियम रूल्स फॉलो किए जाते हैं और उसमें अभियोजन और अभियुक्त पक्ष दोनों तरफ के राइट और ड्यूटी क्या क्या है और उन प्रक्रियाओं को पालन करने कोर्ट का क्या योगदान रहता है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम ट्रायल देखते हैं कि ट्रायल मजिस्ट्रेट मुकदमे होते हैं उसमें प्रक्रिया क्या होती है। साधारण से प्रक्रिया वही होती है, केवल अकॉर्डिंग टू सेक्शन में थोड़ा सा तब्दीली रहती है। वहां चूंकि सदन न्यायालय रहता है, यहां चूंकि मजिस्ट्रेट न्यायालय रहता है, थोड़ा सा रद्द बदल है और सामान्यतया 80% जो प्रोसीजर है वो पूरी चीज है। ठीक है, अब सेक्शन कौन सा कवर करता है ये आपको जानना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है। ये ट्रायल होता है ट्रायल मजिस्ट्रेट, ठीक ना, इन वारंटेड केसेस, ठीक ना, वारंट केसेस में मजिस्ट्रेट ट्रायल की क्या प्रक्रिया है वो सेक्शन आपको हम बताएंगे। 238 सेक्शन 238 से 33 तक सेक्शन 239 सेक्शन 240 सेक्शन 241 सेक्शन 242 एंड सेक्शन 243 कितने सेक्शन कवर करता है क्या किसी का वारंट केसेस ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट कैसे किन किन प्रक्रियाओं के तहत होता है। सर्वप्रथम हम आपको सेक्शन 238 सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये 238 सीआरपीसी का सेक्शन क्या कहता है, क्या आशय इसका है, इसके बारे में आपको हम डिटेल से थोड़ा सा बताते हैं। ठीक ना, इसमें है कि पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर कोई संशित मामला, पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक ना, रिपोर्ट पर संशित मामला होना चाहिए और मामला क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए, वारंट का मामला होना चाहिए। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर संशित कोई मामला होना चाहिए और वो केस क्या होना चाहिए, वारंट, जिसका डिस्कशन मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, उस पर इस पर ठीक है, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष, किसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अभियुक्त स्वयं हाजिर होता है या उसको लाया जाता है तब वो क्या देखेगा, देखेगा कि 207 सीआरपीसी, 207 सीआरपीसी सेक्शन है ये, का कंप्लायंस किया गया कि नहीं किया गया। 207 मतलब यह है कि अभियुक्त को वो सारे डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट है, उसको बोलते हैं चार्जशीट, आरोप पत्र, सेक्शन 173 सीआरपी सेक्शन है, इसके अंदर जो आरोप पत्र है, आरोप पत्र से संबंधित सारे डिटेल निःशुल्क दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी अथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको भी अभियुक्त को दिए जाएंगे। ये आपका कहता है सेक्शन 207 सीआरपीसी कि किसी भी विचारण के पूर्व उसको चार्जशीट की कॉपी, उससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर अभियोजन आगे करके अपने केस को साफ करना चाहता है, वो सारे पेपर जो है एक्यूज को मिलना चाहिए। तब ये मैंडेटरी ट्रांजिशन है ट्रायल के पहले, ठीक ना, ये हो गया। अगर 207 का कंप्लायंस कर दिया गया है, अभी मजिस्ट्रेट ये
इन प्रक्रियाओं के तहत जो है वो स्टार्ट करेगा। पहले जो है तो साफ का कंप्लायंस कराएगा, उसको वो पेपर सारे दिए जाएंगे, इसके अंगेज इसके आधार पर अभियोजन पूरे अभियोजन का संचालन करेगा विचारण के दौरान, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन क्या कहता है, यह आपका हो गया सेक्शन 238 सारांश में इतना सेक्शन इसमें है, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, सर्वप्रथम उसकी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि वो दो साल का कंप्लायंस देख ले हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट प्रक्रिया में चले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, 239। अब इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट जो है जो पुलिस रिपोर्ट है पूरी चार्जशीट और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे अभियोजन अपने को स्टैंड करना चाहता है उसमें देखता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, केस मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी समीक्षा करेगा ड्यू डिलीजेंस सम्यक। सम्यक रूप से उसका प्रसिद्ध करेगा कि क्या जो चार्जशीट और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आया है उसके खिलाफ अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध प्रथम दृष्टया का अपराध बन रहा है नहीं, और ट्रैफिक बाई कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है इसका विचार किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, उन कारणों जिन कारणों के कारण कारणों के कारण जो है अभियुक्त छोड़ा जा रहा है, और छोड़ा कब जाएगा, जब प्रथम दृष्टया अपराध मेड आउट नहीं होगा, प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनेगा और उन मजिस्ट्रेट उन कारणों का लेखबद्ध ढंग से लिखित रूप से लिखबद्ध करते हुए लिखेगा कि ये मामले हैं इसलिए इसका प्रथम दृष्टया अपराध बन नहीं रहा है इसलिए अभियुक्त को छोड़ा जा रहा है, कोई राइटिंग होगा जो भी अभियुक्त है छोड़ेगा इस केस पर किसी अभियुक्त को इस सेक्शन के तहत, उसमें जो कारण दे रिजन होंगे उसको बन से लिखित रूप से उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो मजिस्ट्रेट 239 के अंतर्गत उसको उन्मोचित कर देगा, इक्तल कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। अब आता है 240 सेक्शन 240, इसमें क्या होता है, इसमें मजिस्ट्रेट ने देखा नहीं भाई प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है और अभियुक्त का ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल के लिए प्रथम दृष्टया जो है केस बन रहा है वो क्या पहले करेगा, आरोप की रचना करेगा, आरोप बनाएगा, क्या बनाएगा, आरोप की रचना करेगा, कितना आरोप को विचित करेगा, आरोप बनाएगा, ठीक ना। किस सेक्शन के साथ आरोप बनता है मजिस्ट्रेट के यहां 240, इसके अंदर जो है मजिस्ट्रेट आरोप का भी फ्रेम करेगा, चार्ज जो है फ्रेम करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा, ठीक ना। कब करेगा, जब प्रथम दृष्टया अपराध दिख रहा है, या अभियुक्त ने वो प्रथम दृष्टया अपराध किया है जो तथाकथित पुलिस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है, ठीक ना। अब भाई आपका चार्जशीट बन गया, चार्ज जब फ्रेम हो गया तो चार्ज बनने के बाद जो उसके हेड्स हैं उनको पढ़ करके अभियुक्त को सुनाया जाएगा, 1x1 समझाया जाएगा और
पूछा जाएगा कि क्या आप मतलब अभियुक्त निम्नलिखित अपराध के अपने आप को दोषी पाते हैं या आप अपने को निर्दोष कहते हैं और आप विचारण के लिए तैयार हैं। तो अगर वो कहता नहीं हम विचारण के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह से निर्दोष हैं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मेरा विचारण किया जाए, तब इसके पहले मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि जो चार्ज फ्रेम कर रहा है क्या वो उसके लिए केस के लिए जो सेक्शन में जिस सेक्शन के तहत अभियुक्त उसके समक्ष लाया गया है क्या वो विचारण के लिए स्वयं सक्षम है, ये देखना मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि मैं जो चार्ज फ्रेम कर रहा हूं क्या मैं जो चार्ज फ्रेम कर रहा हूं उसके विचारण के लिए मैं सक्षम हूं। ये जो सेक्शन लगाए गए हैं अभियुक्त के खिलाफ किन किन धाराओं में क्या मैं उसको विचारण के लिए सक्षम हूं, अगर सक्षम है तभी चार्ज फ्रेम करेगा अन्यथा नहीं करेगा। जान लीजिए तो आप मिसकंडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो पहले स्क्रूटनी कर ले कि जो अभियुक्त आया हुआ है पर्टिकुलर सेक्शन में क्या मेरे सामर्थ्य में है इसका ट्रायल, अगर नहीं है तो उसको जो है प्रॉपर कोर्ट में गाइडलाइंस देते हुए भेजिएगा, अगर है तो ट्रायल शुरू करेगा। अब मान लीजिए चार फ्रेम हो गया, चार फ्रेम करने के बाद सारी चीजें अभियुक्त को बता दी गई, अब उसके अनुसार एक निर्णय लेना क्या करेगा। मान लीजिए अभियुक्त ने कहा अपने आप को दोषी होने का अभियान प्ली करता है, ठीक है, और तो भैया कुछ मामले हल हो गया विदाउट ट्रायल, जब अपने आप ही को जब स्वीकार कर रहे हैं तो फिर मजिस्ट्रेट करना क्या है, तो तुरंत जो है वो न्यायाधीश से विवेक का प्रयोग करते हुए उचित दंड पारित कर देगा। कैसा ट्रायल, ट्रायल कब होगा जब आरोप उस पर लगाए गए हैं उसको वो इनकार करे, लेकिन तो उसके लिए विचारण के लिए आवेदन करे, चाहे जब वो स्वयं ही अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है सारी प्रक्रिया ही समाप्त और उसको दोषी करार दिया जाएगा और संबंधित मजिस्ट्रेट जो है अपने जिले का अनुसार जो है उसको उचित प्रॉपर अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन और ला उसको दंड पार करेगा, ठीक ना। ये हो गया, ठीक। अब ये देखिए ये सेक्शन आपका कवर करता है 241, ठीक। रिकॉर्डिंग चार्ज फ्रेम करने के बाद अभियुक्त को सब कुछ बताया गया, अभियुक्त ने सब जो चार्ज फ्रेम किया गया है उसको स्वीकार किया, दोषी हुआ और सविनय के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट ने उसको दोष सिद्ध किया और दंड दिया अकॉर्डिंग टू लॉ एंड टू रेगुलेशन, ठीक। कॉन्सेप्ट अपने सेक्शन में आप देखिए यहां तक हम पहुंचे 241 तक, अपने सेक्शन देखिए आप 242। अब यहां से विचार शुरू हो, सही विचार मतलब साक्ष, ये तो विचारण के लिए पहले से सब तैयारी हो रही है ये सेक्शन से, ठीक ना, ये सब तो तैयारी हो रही है और सही सही तो मामला आ गया आपके विचारण स्टेज पर साक्ष लेने का, ठीक ना। मुद्दा विचारण यहीं से स्टार्ट लेता है, ये तो विचारण के पूर्व ये सब तैयारी, इन तैयारियों के बाद ही हम साक्ष लेंगे। इस सेक्शन का जो क्रम है इसी क्रम में है कि ये सब सेक्शन फॉलो करने के बाद ही ये सेक्शन अप्लाई होगा,
ये नहीं है पहले ही है वो आगे ये पीछे ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सेक्शन कार्डियो जो सीरियल नंबर है उनको फॉलो करने के बाद ही विचारक साक्ष स्टार्ट करेगा मिस्टेक, ठीक ना। अब है सेक्शन वो 232 किससे मजिस्ट्रेट से इसके लिए सक्षम गवाह जो इसमें गवाह उनको तलब करने के लिए, ठीक ना, वो अकॉर्डिंग एप्लीकेशन अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के द्वारा बाय एप्लीकेशन और चार्जशीट के पीछे जो गवाहों की लिस्ट दी गई है उसमें से चुनाव करेगा कि किन गवाहों को उनको परीक्षित कराना है अपने केस को स्टैंड करने के लिए, अभियोजन पक्ष को रखने के लिए प्रथम दृष्टया या केस को सिद्ध करने के लिए साबित करने के लिए किन किन गवाहों को हमको जामिन कराना है कोर्ट में पेश करके जामिन कराना है। पहले वह अपना लिस्ट आउट कर लेगा और अपने बुद्ध विवेक और जितना लानी है उसका प्रयोग करते हुए वो एक अपनी लिस्ट बना लेगा कि किन किन गवाहों को हमको परीक्षित करना है कराना है मजिस्ट्रेट के समक्ष। एक लिस्ट बना लिया, अब उन लिस्ट को जो है वो अपने एप्लीकेशन में दर्ज करेगा और मजिस्ट्रेट से निवेदन करेगा, सर इतने गवाहों को इस मामले में साक्ष के लिए तलब किया जाए जिससे इसका विचार चालू हो, उसमें से कुछ गवाहों का संबंध जारी हो जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचते हैं और उनका चीफ के सामने आपको उसमें बताया था एविडेंस में पहले मुख्य बयान उसके बाद अभियुक्त पक्ष का जो अधिवक्ता होता है वो क्रॉस करता है, परीक्षा होती है, ठीक ना। ये ऐसे एक एक गवाह तलब किए जाते हैं उनका मुख्य बयान होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये सब करते करते ये गवाहों की जो गवाही है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ठीक ना। सारे साइट के और सार्वजनिक साइट के जो घटना स्थल अपने आंखों से देखे हैं जो साइट के गवाह है फार्मल उसके बाद किसी घटना के घटने के बाद जो एविडेंस आती है वो फॉर्मल एविडेंस आती है, मतलब गवर्नमेंट के जो पुलिसकर्मी है डॉक्टर है ये सब है ये सब क्या होते हैं फॉर्मल फिक्शंस होते हैं और इसके पूर्व जो घटना स्थल पर देखा है जहां उधर का आदमी पांच पड़ोस का आदमी वो जो है फैक्ट का गवाह होता है और वो दोनों गवाहों को गुजरने के बाद एग्जामिन करने के बाद अभियोजन पक्ष जो है इसको पूरा कंक्लूड कराता है, ठीक है ना।